गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारे सभी बच्चों के रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारा मैट्रिक्स है क्लास बीकॉम के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि मैट्रिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, सबसे बीकॉम में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग रहता है। तो सबसे पहले हमारा आज बीकॉम है और सब्जेक्ट हमारे मैट्रिक्स है, मतलब होता है बिजनेस मैथ, और आपका यूनिट आपका जाना है मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज अब वैल्यूएशन, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे मैट्रिक्स पर। अब मैट्रिक्स पे हमारे को मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे खास बात, आप पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर करिएगा आप लोग, और उसमें बार बार ये बताना ना पड़े कि आपको बिल्कुल माइंड में सेट रखे, क्योंकि सवाल के लिए चीजें हैं, इसलिए बाल बकायदे सेट कर लीजिए। एम पंक्ति एवं एन, एम और एन क्या है, एम और एन का मतलब होता है पंक्त से, एम का मतलब स्तंभ, जिसे हम पढ़ते हैं रो एंड कॉलम भी कहते हैं। स्तंभ में एम और एन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, विन्यास कहते हैं उसे, हम क्या होता है एम और एम एन पंक्ति के स्तंभ को अव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए, जो भी एम या एम इंटू एन के रूप में प्रदर्शित हो, या एम एन दोनों चीज एक है, मल्टीप्लाई या क्वेश्चन में कोई भी ध्यान रखिएगा नहीं हल करते हैं, जैसे आप एम इंटू एन तो ये चीज नहीं रहे, कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो भी क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, ये चीज विशेष उदाहरण मैट्रिक्स का मतलब होता है। इसमें आपको दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पहला पूछा जाता है कि मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एम और एन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या रो और कॉलम के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे आपका रो का मतलब होता है पंक्ति से, और कॉलम का मतलब होता है, ठीक है, कॉलम का मतलब होता है आपका स्तंभ से, रो और कॉलम जिसे एम और एन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल ये आता है हमारे पास, सवाल माइंड में सेट होता है कि रो और कॉलम होती क्या है। तो सबसे पहले हम रो एंड कॉलम के बात करते हैं, तो रो का मतलब होता है ये स्टेप, जो ऐसे लिखी जाए, जैसे 3, 4, 1, 3, 4 आपका 5, ये आपका रो हुआ, जो ऐसे क्रम से ये रो होता है, और इसी को जब स्टैंड के कंडीशन में लिख देते हैं 5, 4, 3, तब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉलम होता है। ठीक है, रो और कॉलम, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रो और कॉलम कैसे जानते हैं, जो चीज ऐसे हमारे पास लिखी होती है उसे हम रो कहते हैं, और जब ऐसे कंडीशन हमारे पास लिखी होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, रो एंड कॉलम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खास वैल्यू होती है कि रो मतलब होता है पड़ी हुई, और कॉलम मतलब खड़ी हुई। अब हम इसके टाइप पर बात करेंगे, तो रो पहला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का मतलब होता है एम या एन के रूप में कोई चीज भी संख्या या रो एंड कॉलम के रूप में प्रदर्शित हो या लिखा हो, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स से बात करते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ द टाइप्स, ठीक है, मतलब होता है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसके प्रकार की बात करेंगे। अब प्रकार का बात करने के पहले सबसे बड़ी चीज हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट चीज खास वैल्यू है, हम इसका डिस्कशन करेंगे, मैट्रिक्स मतलब प्रकार में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये चीज हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप चलिए हम बात करते हैं टाइप में, पहला रो और कॉलम, ये चीज रो और कॉलम को विशेष तौर पर अच्छा करिएगा, विशेष तौर पर क्लियर करिएगा, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि आपको पूरे वर्ड क्लियर करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, खास बिंदु हमारे पास रो आता है, रो और कॉलम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हमारे पास इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, कैसे, रो इनटू कॉलम, क्लियर करिएगा अच्छे से। अब आगे रो का मतलब होता है पहले आपका 2, 1, ठीक है, ये कितना है, एक लाइन जा रही है ना, रो मतलब होता है एक रो। अब यही चीज आपका 3, 4, 1 तो भी एक रो, जब ऐसे लिखा जाए रो। अब यही चीज आपका मान लीजिए और लिख जाए 3, 4, 5, 6, ये भी आपका क्या हुआ, ये रो कौन। आप इसी में हम कॉलम भी देख सकते हैं, जैसे आप कॉलम, कॉलम का मतलब ये चीज 2 और 1, ठीक है, ये आपका देखो ऐसे लिखा है, अब ये 3, 4, 5, ये आपका कॉलम, आप क्या 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 और 6,
ये चीज है, ठीक है। तो रो हुआ कालम हुआ, मतलब होता रो हो गया कालम हो गया। अब हमको रो, रो का मतलब होता है पड़ा हुआ और कालम का मतलब होता है खड़ा हुआ। जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हम खड़े हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, कालम का हम कहलाएंगे। आज जो हमारी स्टेज हम जिस पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल माइंड में रो मतलब पढ़ा हुआ, स्तंभ मतलब खड़ा हुआ। जैसे ये मार्कर ऐसे है तो क्या है, स्तंभ है, जिसे हम कहते हैं कालम। ऐसे मार्कर है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारा पढ़ा हुआ कालम, ठीक है। जब आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप पेयर करते हैं, मतलब होता है स्कूल में जो पेयर करते पूरी लाइन लगी रहती है, वो हमारे पास क्या होता है, जो लाइन लगी होती है वो रो के काम करता है, जो बच्चे खड़े होते हैं वो कालम के रूप में, मतलब होता है कालम हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, रो इनटू कालम बिल्कुल माइंड में रखिएगा। अब सवाल आता है रो और कालम जानेंगे कैसे, जैसे आपने बताया था रो एंड कालम की मैट्रिक्स बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बिल्कुल एक जहन में माइंड में सेट करिए क्या सवाल की बातें हैं। अब हम बात करते हैं दोनों चीज, पड़ा हुआ खड़ा हुआ, दोनों स्टेप मतलब होता है रो एंड कालम के डिस्कशन करेंगे। जैसे 2, 3, 4 अब आपसे पूछ ले रो और इंटू कालम क्या चलेगा, रो और इंटू कालम, तो रो कितनी, 1, 2, 3 कितनी लाइन है, 3, एक मतलब रो 3, कालम कितने हैं, केवल 1। तो क्या हुआ, 4 की मतलब होता है आपके 3 की मैट्रिक्स हुई। अब यही चीज ये रो कहलाया, रो कहलाया और ये कालम कहलाया। अब हम अगला डिस्कशन करते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 आपका ये कौन, तो कितने रो, ये रो इनटू कालम, ध्यान रखिएगा, तो कितने रो, 1, 2 मतलब होता है कितने रो, 1, 1, 1, 2, 2 रो, कालम कितने, 1, 2, 4। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, चलिए और डिस्कशन कर लेते हैं, 3 हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपका हुआ, इसमें कितने रो, 1, 2, 3 तीन रो कालम, 2 तो रो इनटू कालम कितने रो, 3 कालम कितने, 6 की मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज हमारे पास रो और कालम को बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि आपको ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मान लीजिए आपका 2 × 4, 4 पूछ रहे कितने की मैट्रिक्स है, कोई आपसे पूछ सकता है कोई इतने मैट्रिक्स, आपका रो इंटू कालम पर चलेंगे, रो मतलब होता है 2 और कालम कितने, 2, कुल मिलाकर मैट्रिक्स 4 की बनेगी, मतलब 4 का मतलब 1, 2, 3, 4 बाल सेट हुआ। ये चीजें ध्यान रखना, तो रो आपका ये कहलाएगा, कालम आपका ये कहलाएगा, ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट रहे बन जाएगा, रो मतलब ये और कालम मतलब ये। जब आप कभी इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक तो बन जाएगा। आप चलिए हम आगे डिस्कशन करते हैं, रो भी क्लियर हुआ कालम, रो मतलब 3, 2, 1 जब कोई चीज ऐसे लिखी हो तो रो, कालम का मतलब होता है 3, 4, 5 जब ऐसे लिखा हो आप कालम। अब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या को दो बार लिखना, स्क्वायर का मतलब 2 होता है। जैसे मान लीजिए आपका 3, 4, 5 दिया है ना, इसको आपका 3, 4, 5 इंटू फिर 3, 4, 5 ये आपका हुआ, बात क्लियर, ये आपका दोनों चीज आपका हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई होगा रो इंटू कालम से, ठीक है। हमारे पास रो इंटू कालम से मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा। ये चीज हमारे पास ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स हमेशा जब भी कभी बनती है तो आपका स्क्वायर का मतलब कोई चीज दो बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब दो बार, कोई भी संख्या हो जैसे आपका 2, 4, 5, 6 है, ये ले लें इंटू कर दें फिर 2, 4, 5, 6 ये आपका दो बार होगा, किसी भी संख्या से एक बार लिखा है एक बार और लिखा, स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना, ठीक है। अब हमारे पास क्लियर हुआ, हमको रो भी क्लियर हो गया, कॉलम भी क्लियर हुआ, स्क्वायर भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद कंडीशन आपको क्लियर करो, अब आगे देखो हमारे पास यूनिट का मतलब आई से, यूनिट का मतलब आई से, जब भी यूनिट कभी भी आपका सवाल में आएगा ध्यान रखिएगा बिल्कुल आई, यूनिट मतलब आई से होता है, जैसे 2 की मैट्रिक्स बोला है मतलब यूनिट 2 मतलब मैट्रिक्स 2 की, कैसे 1, 0, 0 ये याद रखना, इसमें आपका मैट्रिक्स 3 के आपका ये कैसे बनेगी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये आपका हुआ, ये आपके 4 की मैट्रिक्स आई 4 कर दे तो आपका 4 बन जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास जैसे यहां 2 है तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 है, जैसे आपको यह 3 यहाँ हो जाता तो 3 3 हो जाता। अब ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी 3 हमको कर देते हैं, बताते हैं
आपका जैसे आपका 01 आगे होगा 1000, फिर 0100, फिर आपका 001, फिर 0001। ये चीज आपका पाइलर हमेशा बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये पाइलर मैट्रिक्स आई के सब संकेत है। अब जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी में आपका यहाँ हो जाता I4I हो जाता, या जहां है 4 हो जाता, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाता, तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 स्टार्टिंग में हो जाता, तो यहाँ 2 हो जाता। ये मैट्रिक्स होती, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सरल। अब आपका हमारे पास आता है 0 की मैट्रिक्स। 0 का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स हो सब कुछ 0, कोई भी मैट्रिक्स हो सब कुछ 0, कोई भी। 0 का मतलब वैल्यूएशन 0, जिसकी वैल्यूएशन ये होती है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक पर। अब हमारे पास क्लियर करिए ये सवाल, जितने भी आपका एट लेस मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सवाल हर सवाल मिलेंगे, एड में भी पढ़ेंगे, लेस में भी पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में कंडीशन पढ़ेंगे। एड का मतलब क्या होता है, जोड़ से। एड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया, एक मैट्रिक्स हो गई। यही चीज बी की मैट्रिक्स देता 3, 4, 5, अब आ गया, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब होता है ए प्लस बी, ए का ए से इसका इसका संबंध, इसके इससे संबंध, इसका मतलब जो जहां स्थान पर उसका उससे संबंध रहेगा। ए में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल प्लस कर देना, बिल्कुल सरल है। जैसे आपका हो जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस 5। ये चीज हमारे पास क्या हुआ, ये चीज सबसे बड़ी डिस्कशन हमारे पास ये चीज हुआ। तो कहने का मतलब होता है ये प्लस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, तो ये आपका दो रूपों में लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे भी कर देंगे, ऐड करके ले सकते हैं। आप इसी तरह से हमारे पास माइनस में बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्लस और माइनस, बिल्कुल जहां जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, माइनस की बात करेंगे, माइनस मतलब घटाना। ए प्लस 2, 1, 4, 5, ये आपका हुआ बी ऑप्शन है। अब यहाँ लेस की कंडीशन में कैसे होगा बात समझिएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मान लीजिए 3, 4, 5, अब आपका ये हुआ। अब यहाँ लिखा रहेगा फाइंड करिए हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब इन दोनों को संख्या क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। जैसे आप ए माइनस बी इक्वल लिख लेंगे 2, 1, 4, 5, ये चीज आएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा 2, 3, 4, 5, आप दोनों के इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे और इसको इसके, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था सरल सवाल, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे रो और कॉलम के रूप में, काहे के रूप में डिस्कशन कर रहे थे, रो और कॉलम, तो रो और कॉलम में इसका अहम रोल अदा करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये सब सवाल पर पढ़ेंगे, अभी डिस्कशन नॉर्मल कर रहे हैं, अभी सवाल पर डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, कंडीशन हमारे पास मैट्रिक्स कंडीशन हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास, जैसे हमारे पास रो और कॉलम के रूप में हमारे पास पहला आता है, हम बात करते हैं नॉर्मल, यहाँ हटा देते हैं क्योंकि जरूरत जीरो सब हमको समझ में आ गया, इसको आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खास वैल्यू, ये चीज ध्यान रखिए। मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं रो और कॉलम के मैट्रिक्स के रूप में, जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहती है, ठीक है। मैट्रिक्स में हमारे पास देखिए, हम पहला टॉपिक हमने रो पढ़ा, दूसरा पढ़ा टॉपिक, तीसरा स्क्वायर यूनिट पढ़ा, शून्य वैल्यू, एड और लेस। अब बात करते हैं मैट्रिक्स, देखिएगा जैसे ए दिया रहेगा इक्वल 3, 4, 5, 6, ये आपका मैट्रिक्स ए दी रहेगी, और बी दी रहेगी 1, 2, 3, 4, और यहां करेगा हमारे पास फाइंड वैल्यू, हमारे पास क्या करना है ए इंटू बी। ये जब कभी भी a इंटू बी लिखा हो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज आपको रो जानना जरूरी, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम जानिए, रो इंटू कॉलम। रो का मतलब ये आपका रो होता है, ये कॉलम होता है, 2 इंटू 2, देखो रो 2 है और कॉलम भी 2 है, इसमें भी यही है 2 रो और 2 कॉलम, ये आपका 4 की मैट्रिक्स बनेगी। कहने का मतलब होता है, अब ध्यान रखना, रो ऐसे चलेगा कॉलम ऐसे चलेगा, रो ऐसे चलेगा कॉलम ऐसे चलेगा, कैसे क्लियर करिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये पहली लाइन क्लियर, दूसरे में इसी का मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये पहले मतलब पहला शब्द, ये जो आपका दो संख्या है
ये चारों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे, फिर इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब कहने का समझ में आ गया। अब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल बेस पे थ्री थ्री लिखा है, थ्री इंटू वन प्लस और फोर इंटू थ्री, ये आपका पहली, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेप पर करते हैं, तो थ्री इंटू टू प्लस 4 इंटू 4, ये चीज। अब इसी तरह से आपका ये कंडीशन आ जाएगी, इसी तरह से का है 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4, ये आपका हुआ। अब अगले तिथि बात करेंगे हम, अगला टेस्ट हमारे पास, अगला पॉइंट हमारे पास इसका हिस्से से 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, ये चीज आ गया। ये आप आपका देखो, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा देखो, 3 प्लस 12, अब इसमें 6 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 24, इसका क्या हो जाएगा 10 प्लस 24, ये चीज आ गया। अब बस जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, रो रो ऐसे, इस ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा तो फिर ये ऐसे, ठीक है, रो इनटू कॉलम ये चलेगा। हम बात लगभग क्या हो रहा है, टाइप पर बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं पर आप लोग इसका डिस्कशन करते रहिएगा, पर जो अभी हमारे बीकॉम के लिए जितना लेवल पे जरूरत है उतनी हम दे रहे हैं। फिर बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, डिस्कशन करेंगे। रो मतलब होता पड़ा हुआ, स्टंप मतलब खड़ा हुआ, स्क्वायर का मतलब दो से, यूनिट का मतलब आई, ध्यान रखिएगा 1001, अब हमारे शून्य का मतलब सभी वैल्यू जीरो, एड मतलब जोड़ से है, लेस का मतलब और घटाना से, मल्टीप्लिकेशन आपसे बात ही कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे हम आपका सवाल पर, कैसे हमारे पास सवाल पर ध्यान रखिए, सवाल पर डालिए, फोकस करिए। हमने आपको सवाल बोर्ड में 2000 सवाल लिखे हैं, उसके बाद करेंगे आगे हम हेड पर बात करेंगे, नॉर्मल बात करते हैं। चलिए, हमारे पास कभी कभी हमारे पास ये भी कंडीशन आ जाती है जिसकी हम वैल्यूएशन लिखते हैं, कभी कभी एक्स और वाई, देखो लिखा है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई और जेड एंड ए इफ, हमारे पास इसको हमको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सामान्य तरीके से निकालेंगे। तो जैसे आपको ध्यान रखिए, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, जो ये संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, बिल्कुल सामान्य तरीका, बिल्कुल सामान्य लगाने के तरीके हैं, आप बिल्कुल इसको है बिल्कुल नॉर्मल बेस पे ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका सोल्यूशन लिख लीजिए। अब हमारे पास यहां आपका सोल्यूशन होगा, आप सोल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास पहला फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू दिया है, तो आप देखो पहला जो आप उठाइए क्या करेंगे, एक्स, पहला स्टेप 3x-2 इसका संबंध इससे इक्वल 10, ओके, समझ में आ गया इतना। अब देखो आपका लिखा हुआ, अब देखिए हमारे पास पहला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले पर पहला x आप निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 3x आपका सेम रहेगा, ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 10+2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 × 3 = 4, ये आपके x की वैल्यू क्या आई 4, ओके। अब दूसरा स्टेप हम बात करते हैं, दूसरा आपका स्टेप है 4y-8 = इसका संबंध इससे 8 से, अब देखिए 4y अपने स्थान पर रहेगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 8 प्लस हो गया, तो y बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 16/4, तो डिवाइड करेंगे आप 4, तो x बराबर y बराबर क्या आया 4। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं जेड पर, z-2 = 11, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा 13 आ गया। अब हमारे पास दूसरी स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक, अब हमारे पास आ जाएगा a+11 = 9, तो a बराबर 9-2 = 11 बराबर क्या हो जाएगा a-2, ये आप 1, 2,
तीन और चार, मतलब आपको पूरी वैल्यू फाइंड हो गई। बिल्कुल नॉर्मल बेस पर आपका निकल आया, बन जाएगा इसका संबंध इससे। देखो आगे सबसे बड़ी चीज सेलेक्ट करा करो, स्थान की वैमेंट्रिक से बहुत बड़ा स्थान है, स्थान के वैल्यू आपको पुट करना बहुत आसान है सिंपल तरीके से। ये कभी कभी इक्वेशन में पूछ लेता है, इसलिए हम इक्वेशन में बता दिया आपको। अब हमारे पास, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर, एक्स और वाई को फाइंड करना है। इसमें क्या है देखा, इसका ये वैल्यू दिया है और इसमें ये दिया है, इसका संबंध इससे, संबंध इसका इससे। तो ये चीज आपका क्या होता है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहे, अब आप इसी पर फोकस करिए। अब हमारे पास पूरे इस क्लियर कर लीजिए, ये आपको सवाल दिए हैं, सवाल पर माइंड को सेट कर लिया करें, बिल्कुल को सेट करके रखें, क्योंकि आपके सवाल समझ में आए हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन में, अब सोल्यूशन में हम बात करेंगे एक्स, एक्स प्लस एट वाई इक्वल्स 17, यह आपका समीकरण बन रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध इससे, तो आपका 4x प्लस वाई इक्वल 6 आपका ये हुआ। अब हम बात क्या करेंगे, नॉर्मल बेस पर आपके देख लो, आप ये इन दोनों को बराबर होना चाहिए, कोई में कोई समीकरण आपके x बराबर हो या y बराबर नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, यार इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनमें 1 का कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है देखिएगा, इसमें आप बात करेंगे 4x प्लस 28 आपका 32 प्लस आपका ये हो जाएगा 68। अब इसका क्या हो जाएगा, 4x प्लस ये क्या हो जाएगा y इक्वल हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस करने पर यहां लिखेंगे, तो लेस करने में जब लिखते हैं तो माइनस परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस ऊपर है ना, ये कुछ नहीं है, तो प्लस इसमें भी प्लस है तो माइनस, इसमें भी आप माइनस हो जाएगा। अभी देखो प्लस माइनस दोनों इक्वल बराबर है, जीरो वैल्यूएशन आ गए। अब हमारे पास ये क्या हुआ, आपका 31 आ जाएगा, इक्वल आप करेंगे 62 आ जाएगा, तो y बराबर 62 अपॉन 31, ये चीज आपका डिवाइड करेंगे तो y बराबर क्या आएगा 2 आ गया। अब हम y का मान निकाल लिए, तो हम y का मान किसी भी समीकरण, फर्स्ट और सेकंड समीकरण, फर्स्ट और सेकंड समीकरण में किसी में भी रख सकते हैं। इधर देखिए दिख रहा है सर, अब हमारे पास क्या होता है, x प्लस 8y इक्वल आपका दिया है, ये आपका समीकरण पहला उठा रहे हैं, इसमें जहां y है तो क्या रखेंगे 2, कैसे, x प्लस 8 इंटू 2 इक्वल 17, तो हमारे पास x बराबर क्या हुआ, इसको हमारे पास क्या आपका हो जाएगा प्लस 16 प्लस 17, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये आपका समीकरण x बराबर 1 y बराबर 2 आपका आंसर आया। बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका सवाल पहला हल हुआ, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब ये हम क्या होता है, इक्वेशन के लगभग होगा आपको माइंड में सेट होगा, जब कभी आपका इक्वेशन है इस तरह से दे आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं, पहला टॉपिक जो बात करते हैं एट पर, पूरा एडेड सवाल पढ़ेंगे, एडेड का प्रीलेस लेस का मैट्रिक्स पर, ठीक है। आगे हम सबसे पहले हम बात करते हैं एट पर, क्लियर किए हैं हम। आप ये सवाल आपको दिए हैं, आपको सवाल फोकस करिए, हमारे पास सवाल आपको दिए हैं, सबसे बड़ी चीज होती है सवाल को बिल्कुल सामान्य तरीके से बिल्कुल एड करिएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, लिखा है ए प्लस बी, मतलब होता है इन दोनों को आपस में जोड़ना है, प्लस लिखा है आपको, फाइंड ए प्लस बी। आपको सबसे पहले आप यहां करेंगे, आपको सोल्यूशन लिखेंगे, यहां ए लिखिए, यहां प्लस बी लिखिए, दोनों को समीकरण बना लीजिए, लिखा हुआ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 1 2 3 प्लस, ठीक है, प्लस आपका 4 5 और 6, ये दिया है, ए प्लस बी कर लीजिए, तो ये दोनों का ऐसे ऐड कर लें, कैसे ऐड करेंगे, तो 1 इसका है संबंध इससे, इसका संबंध इसके, 1 प्लस 4 पहला हो गया, फिर देखो 2 5 2 प्लस 5, ठीक है, फिर 3 प्लस 6, ये आपके मैट्रिक्स एड हो गए, बिल्कुल जैसा है क्रम से जोड़ दो, ए प्लस बी बराबर क्या निकलेगा 5 7 9, ये आपका आंसर होगा, बहुत ही इजी तरीके से है ना। अब आपका दूसरा देखिए क्वेश्चन, फोकस करिए,
दूसरे नंबर पर आप इसको दूसरा फोकस करिए, फाइंड ए वैल्यू दी, आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको दी है। अब हम बात करेंगे ए और बी, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखें। आप सोल्यूशन में हमारे पास ए प्लस बी 5112 ये दिया है, प्लस 3057 दोनों आपको प्लस कर लें। अब हमारे प्लस का मतलब होता है ऐड कर लें, ए प्लस बी, देखिए इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, क्रम से चलेगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं, ठीक है। जब केवल डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई, इसमें आप ऐड और लेस में बिल्कुल सिंपल रहता है, 5 के साथ 3, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 इसका 1 प्लस 5 इसका 2 प्लस 7 आंसर क्या जाएगा, ऐसे देखिए 8169 ये आपका आंसर, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया सवाल आपका, पहला दूसरा हुआ। तीसरा मान लीजिए कभी कभी आप माइनस के रूप में आता है तब क्या करेंगे, तो ए प्लस बी भी करना है तो माइनस में आता है, तो ध्यान रखिएगा माइनस के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आगे सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स क्रम से लिखें, तो जैसा दिया है इसी तरह से लिख ले, 1 -1 2 -2 3 -3 plus 3 4 5 -3 -4 -5 ठीक है, लिख गया। अब इसको क्रम से लिख ले a प्लस b के रूप में, डायरेक्ट में प्लस और माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड में सेट करिएगा, दिख रहा है ये, और ले लीजिए नीचे नीचे तरफ से भी अच्छे से। अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज हमारे पास 1 इसका संबंध इससे, 1 प्लस 3 1 प्लस 3, अब इसका संबंध -1 प्लस -3 इसका इससे जोड़ा, इसका इसको जोड़ा, दूसरा इसी तरह से 2 प्लस 4 -2 प्लस -4 इसको कोष्टक में कर लें। अब हमारे पास दूसरी चीज, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज खास वैल्यू आती है, इसमें हम बात करते हैं 3 प्लस 3 प्लस 5, अब इसमें 3 -+-5 आपका ये हुआ। आप देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आ गया, तो आप ध्यान रखिए प्लस माइनस से माइनस चिन्ह होता है, आप एक बार ये ध्यान रखिएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर आपका माइनस, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी कभी चिन्ह आए। देखिए आपके यहां दोनों चीजें ऐसी आ रही, तो आपका सिंपल तरीके से ये चीज बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए नॉर्मल बेस पर हम बात करते हैं, तो ए प्लस बी इधर हम ले लेते हैं, जो आपको आप क्लियर समझ में आए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, आप इधर फोकस करिए थोड़ा सा, आप बेस कंडीशन हमारे पास क्या आती है, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले a प्लस बी पर, है ना। हमारे पास जो सवाल आपको दिए हैं, कैसे आपका दिया है, आपका दिया है 3 + 1 4 यथाउचित लिख लें, ये आपका ये चीज दोनों चीज क्लियर हो रही है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फोर हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका मतलब होता है एड वाली कंडीशन। अभी एक और एड वाली कंडीशन कभी कभी आता है मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला देख लें, ये चीज आपका सवाल दिया हुआ है था,
हमने बता दिया बिल्कुल सिंपल, एक बस एड एड कर देना है, लेस की कंडीशन नहीं करना है। इधर आप एक बार और चिल्ड पोज कर दे, सभी राउट डाउन कर ले बच्चे, रिकॉर्ड कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। सवाल को बहुत इजी सवाल होते हैं, और आप सवाल को काम करने के पहले आप प्लस और माइनस में बिल्कुल डिफरेंट नहीं, उसको अच्छे से फोकस कर लीजिए जो सवाल लिखा है। सवाल में लिखने के बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक पर, सवाल प्लस पर ही बात करेंगे, फिर उसके बाद माइनस पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हम ले लेते हैं, फोकस करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2+2a+3b इफ, मतलब आपको निकालना है, दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, पहला ए मैट्रिक्स दी है 0, 2, 3, 2, 1, 4, ये आपका दिया है, इक्वल में आपका क्या है 7, 6, 3, 1, 4, 5, ये मैट्रिक्स दी है आपको। सबसे बड़ी चीज ये थी आपको दिया हुआ, तो मतलब होता है जब ऐसा कभी दिया है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए कुछ भी आए, तो आप सबसे पहले 2a+3b लिखिए, ठीक है, इक्वल करिए। आप सॉल्यूशन कंडीशन में आपको देखेंगे, ठीक है, अब इनको क्रम से लिख लीजिए। तो आप जब लिखेंगे तब देखो ए का मल्टी ए में 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, बस कर रहे हैं 2 यहां लिखना है, ये 2 अब ए वाला है, तो 0, 2, 3, 2, 1, 4 आ गया, प्लस लिखिए मल्टीप्लाई 3 से, डी में क्या दिया 3, 7, 6, 3, 1, 4, 5 आपका ये हो गया, है ना। आप थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, है ना, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2+2a+3b, अब ये कैसे आ जाएगा, सबसे 0 का 0 से, इसका मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये आपका हुआ। इस प्लस करें, इसका मल्टीप्लाई 21, इसका 18, इसका 9, इसका 3, इसका 12, इसका 15, ये आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2a+3b, अब इनमें तो ऐड कर लीजिए 0+21, 4+ इसका संबंध इससे, इसका संबंध इसके, याद रखिएगा 4+18 और 6+9, 4+3, 2+12, 2+12, 8+15 आ गए। अब आपका आंसर आ जाएगा 2+3b इक्वल। अब नॉर्मल बेस पर लेते हैं तो आपका क्या है, 21 आ जाएगा, इसका 22 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। जब कभी इस तरह फाइंड करने को आए तो आपको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लीजिए, बस ये बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। अब हम बात करते हैं हमारा एट की लगभग लगभग कहानी क्लियर हुई। अब हम दूसरा स्टेप पर बात करेंगे, दूसरे कंडीशन पर बात करेंगे, लेस पर। लेस कैसे होता है इसको राउट डाउन कर लीजिए, हम आगे लेस की बात करते हैं, सिंपल सवाल लेस पर लेते हैं फिर आपको आगे बात करते हैं। लेस में हमारे पास सबसे बड़ी चीज, जैसे आपका कंडीशन था पूरा सवाल वही रहेगा, जहां जहां प्लस था वहां ए लेस कर देते हैं, बस एक कहानी कर देते हैं इसी पे, सवाल पे हम स्ट्रक्चर पर पूरा क्लियर कर देते हैं।
चलिए हम बात करते हैं अगले डिस्कशन पर। हमारे पास सवाल पहला, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा, या 7 नंबर बना लेते हैं इसको, और इसको 8 बना लेते हैं, इसको 9 बता लेते हैं। क्वेश्चन उसी तरह से रहेगा, कंडीशन सेम रहेगी, बस आपको डिस्कशन ये करना है। ए फाइंड माइनस, माइनस पूरा प्रक्रिया चलेगा, माइनस वाले क्वेश्चन। हमारे पास ए बराबर मैट्रिक्स आपको दी है, ए बराबर हमारे पास क्या दिया है देख लेते हैं। 4 3 2 1। बी बराबर हमारे पास लिखा है 1 3 2 4। बस आपको ये चीज करना है। अब ये आपका सोल्यूशन में चला जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। जैसे क्रम से ऐड करते तो उसी तरह लेस, इसका संबंध कैसे देखिए, 4 दिया है इसका संबंध -1 कर दीजिए, ये दिया है 3 -3 2 -2 1 -4, मतलब होता है माइनस चिन्ह लगा देना है, सबको घटा देना है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से बढ़ाना को ऐसे बढ़ा सकते हैं। इसमें दोनों घटाएंगे क्या आएगा 3, इनमें घटाएंगे 0, इनमें 0, इनमें -3, आपके आंसर, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आपका आंसर पूरा क्लियर हुआ। अब यहाँ जैसे माइनस दिया है तो आप यहाँ आइए, सबसे पहले ए प्लस ए माइनस बी कर लीजिए, तो 5 1 और 1 2 माइनस 3 0 5 7, ठीक है, ये आपको माइनस चिन्ह होगा। अब इसमें घटा दीजिए, ए माइनस बी बराबर घटाते 5 माइनस 3 1 माइनस 0, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 माइनस 5 1 माइनस 5 2 माइनस 7, आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां कर लेंगे 2, यहां 1, यहां क्या आ जाएगा -4, यहां माइनस आपका आ जाएगा 5, ये आपका आंसर, ठीक है। यहां आपका फिर माइनस कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल इसी तरह से। तो आगे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको ए दिया है, ए माइनस बी करना। अब हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, माइनस ही ना तो माइनस कर लीजिए, तो 3 4 5 -3 -4 -5। अब इसमें आपको बिल्कुल सिंपल ले लीजिए, अब इधर थोड़ा फोकस कर लीजिए सवाल को, हम यहां ले लेते हैं ए माइनस बी बराबर, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ए माइनस ये 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस, इसका संबंध इससे, तो माइनस और माइनस 3, ये ध्यान रखिए। फिर दूसरा 2 माइनस 4, फिर यहां 2 माइनस 4, ठीक है, फिर -2 -4, इसका संबंध इससे, ध्यान रखिएगा, फिर 3 माइनस 3 माइनस 5, फिर 3 माइनस 3, माइनस करेंगे फिर -5, ये ए माइनस बी, ये आपका देखो ये चीज आपको बिल्कुल सिंपल आ जाएगी, कैसे देखिए ये चीज आपका सिंपल हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएगा घट के आ जाएगा -2, ये दोनों घट जाएंगे -2 -2, ओके सब -2। अब इसमें देखो -(-) बराबर क्या होता है प्लस होता है, मतलब क्या होता है, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस प्लस 3, ये बन जाएगा इसी तरह, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2 प्लस 4 माइनस 3
प्लस 5, आप इसको आप इसी तरीके से घटा सकते हैं, अब घटाना बस है, तो क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर 2 माइनस 2 माइनस 3, सेम रहेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, घटाते इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो 2, इसको घटाएंगे तो 2, आपका ये आंसर। ये आपका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन प्लस में था वही माइनस कर दिए हैं, बिल्कुल सिंपल। ये लेस की कंडीशन, लेस का मतलब होता है घटाने से, इधर अगर आप फोकस कर दीजिए, समझा दो बच्चों को। अब आपका क्या होता है a माइनस b, जब कभी माइनस है तो माइनस लगाकर घटा दीजिए, बस एक का संबंध इससे, इसका संबंध इससे, क्रम से ध्यान रखिएगा, बस ये स्टेप आए। अब हमारे पास दो स्टेप हमारे पास क्लियर हो रहे हैं, ये चीज हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब इसी में से हम मैट्रिक्स में आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप फाइंड इसके इसी तरह मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ये चीज आपका क्वेश्चन बदल लेते हैं हाँ? ये चीज अब आपका क्वेश्चन में बदलाव में केवल देखो, मल्टीप्लाई आपका वही रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, फोकस अच्छे से करिए। ये आपका सेम कंडीशन, इसका मल्टीप्लाई इसका, बस यहाँ प्लस है, कहाँ हो जाएगा माइनस, एक यहाँ माइनस, आपका ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इतना हम बदल देते हैं और होता सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई भी उसी तरह से होता, कोई भी दिक्कत इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल, जैसे प्लस होता था वही इसी तरह से माइनस होता है। अब माइनस में 2a माइनस 3b, आपको जैसे आपका मल्टीप्लाई उसका गुणाई का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 4 6 4 2 8, इसी तरह 20 18 9 3 12 और 15 है। अब यहां माइनस लगने के बाद आपका थोड़ा सा बदल जाता है, कैसे, 1 इसका संबंध 0 माइनस 21, 4 माइनस 18, 6 माइनस 9 इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। दूसरा स्टेप 4 माइनस 3, 2 माइनस 12, 8 माइनस 15, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब बिल्कुल सिंपल 2a माइनस 3b इक्वल, अब आप निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा ऐसे, -21 आप वही रहेगा, 14 माइनस इसमें क्या हो जाएगा -3, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1, इसमें क्या हो जाएगा -10। अब हमारे पास क्या हो, इनमें तो हमारे पास क्या होता है, इनमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ए कंडीशन हमारे पास क्या हुआ, 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ये -7 बचेगा, आपका ये आंसर। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है कि आगे जब कभी ऐसी कंडीशन आपको दी हो तो आपको ऐसे करना है, बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है सवाल को, देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको राइट डाउन कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, जो आपको बिल्कुल सिंपल सवाल बन जाए, है ना, आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए सवाल, एक इजी तरीके से सवाल आते रहते हैं। अब हम बात करेंगे एक और सवाल पर, इसी तरह से मान लीजिए आपको और दिए हैं सवाल, तब कैसे आएंगे इसको हम भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए, राउंड डाउन कर लीजिए, इसको आप फोकस कर दी, इसको आप फोकस करके राउंड डाउन करिए, हम इधर आपको क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर, बिल्कुल आप लोग क्या होता है सवाल को बिल्कुल क्लियर करके रखा करें, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इन सवालों में आपको बहुत इजी सवाल होते हैं और खासकर बीकॉम के लेवल में आपको अक्सर पूछे जाते हैं, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी इसी तरह से हम एक आध सवाल और ले लेते हैं माइनस पे, माइनस मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी आपका क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे आपका सवाल एक और ले लेते हैं, आपकी फाइंड वैल्यू आपको दिया है इसका कोष्टक में एक्स प्लस माइनस 3y इक्वल, मैट्रिक्स आपको दिया है एक्स बराबर 1 2 3 4, ये एक्स की मैट्रिक्स, वाई की मैट्रिक्स 1 माइनस 2 माइनस 2 और 2 माइनस 1, ठीक है। अब हमने आपको पहले बताया जब ऐसे कभी भी दिया तो आपको क्या करना है, आगे क्रम से लिखना और उसमें आपका टी एक्स में 2 का, इसका 2 का मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, देखिए 2x माइनस, फोकस भैया करिए आप तो अच्छे से,
आप लोग सभी अच्छे से क्लियर करें। अब हमारे पास क्या होता है, 1, 2, 3, 4 प्लस आपका आ जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस रखेंगे 1, 2, 2 माइनस 1। अब यहां जैसे देखेंगे आपका 2 दिया है तो हमें 2 रख दीजिए, यहां आप 3 रख दीजिए, है ना। अब ये आपका एक्स वाई वाई मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3y स्क्वायर, इसका 2, इसका 4, इसका 6, इसका 8 माइनस 3 आपका गुणा करके ले लें, इसका माइनस 3, इसका 2, इसका आपका 6 यहां आएगा और इसका 6 आएगा यहां माइनस 3 आएगा। मल्टीप्लाई में बिल्कुल विशेष तो ध्यान रखें, ये मिस्टेक ना हो। 3x + 3y = इसका रिलेशन आपसे इससे होगा, ठीक है ना। अब ये माइनस है सो माइनस कर लीजिए, 2 - 3 कोष्टक में माइनस करें। अब ये पहला इसका माइनस, इससे आप माइनस कर दे, 4 - 6 इसका माइनस, 6 - 6 इसका माइनस, 8 - और माइनस 3, ठीक है। ये आपका माइनस चिन्ह का जो बहुत विशेष तो रोल है, आप इसको 3x - 3y = अब इन दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाते हैं, तो आपका ये क्या है 5, ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, ये 0, ये क्या बचेगा -+11। बिल्कुल सिंपल सवाल, ठीक है ये बिल्कुल। आप इसको देखिए, एक बार हम बात करते हैं, इसी तरह से कभी कभार सवाल आपका पूछ लेता है। हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास अगला भी हमारे पास आता है, ए मैट्रिक्स दी है, ठीक है, 1, 2, 0, 4, 2, 4, 3, ठीक, और ये ए मैट्रिक्स हो या बी मैट्रिक्स, 2, 1, 0, 3, 1 - 1, 3, 2, 3, ठीक है। और यहां लिखा है a + 2y = 3b। अब हमारे पास इसको क्वेश्चन को फोकस करिए, अब हमारे पास अच्छे से क्लियर करिए इसको। हमारे पास सबसे पहले a दिया है, y वैल्यू निकालना है सबसे पहले, तो आपका इस तरह जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको चाहिए a और y, a और b है ना, a और b प्लस 2y = 3b, ये आपको दिख रहा है। अब आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है, जहां ध्यान रखिए बिल्कुल फाइंड करके लिख लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a आपका सेव आपका a रहेगा, इसको 2y = इसका प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3b - a, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये चीज हमारे पास थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम y को हटाना चाहते हैं, y का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, ये जब कभी वे इस तरह तो नीचे आप एडिट जाता है, तो यहाँ 2 रखें, थ्री है, 3 रखें, सॉरी यहाँ 4 है, मिस्टेक क्वेश्चन में, यहाँ 4 रखें, यहाँ भी 4 रखें और यहाँ भी 4 रखें, आपका 4b माइनस आपका हो जाएगा a। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 आपका ट्रांसफर हो जाएगा 1/2 के रूप में, ये जब भावी संख्या इधर रहती है वह अपने पंडित पीछे जाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से देख लें, ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2b आ जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा और a आ जाएगा। अब मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज हमारे पास आगे, सबसे पहले मैट्रिक्स को हम कर लें, अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, अब हम रख दें, सबसे पहले आपका बने क्या, 3 और 2b + माइनस है तो माइनस करें, माइनस अब क्या बन जाएगा 1/2a बराबर, सबसे पहले b है तो मैट्रिक्स b की आएगी, ठीक।
2103 1123 माइनस रहेगा, माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब आएगा 1204 2424 माइनस 13, यहां 13, ठीक। अब आपका आ गया सवाल, सबसे वाली चीज आप इसको स्ट्रक्चर दें तो आप क्या हुआ, ए प्लस बी बी आई के हमारे पास क्या हुआ 4y हो गया, 4y ट्रांसफर कर दिया, तो ये कभी भी सिंगल नीचे जाते, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2 बचा, इसमें या तो गुणा होगा तो आपका 8 बचा। अब इसका आप ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसा आए का स्ट्रक्चर तो आप क्या करेंगे, a बराबर आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे, 2103 1 - 1 2 3, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 रहेगा, यहां 2 रहेगा, 1204 2 4 - 1 अब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3b - 1/2a आपका 2b - 1/2a है ना, इसका आपका क्या करें मल्टीप्लाई 4206 इसका 2 दिख रहा है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई से माइनस 2 इसका 4 इसका आपका क्या हुआ, आप उसको ले लीजिए, बात कर रहे हैं इधर, आप इधर 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब हमारे पास अब थोड़ी चीज माइनस के हमारे पास हुआ, मैट्रिक्स के कंडीशन हमारे पास ये चीज हुआ है, अब दूसरी चीज हमारे पास सब थोड़ी खास बात आती है कि हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, है ना, तो आप ये आगे मल्टीप्लाई जहां आएगा क्रॉस कर दीजिए, इसका मतलब 2 से डिवाइड करते जाइए, जैसे तो a1 हो जाएगा, तो काय का करेंगे 1/2 आप बाहर ही रखिए, ठीक है, 1/2 आप बाहर रखिए, जब भी होगा उसको डिवाइड कर लिया जाएगा, है ना। तो आप कैसे आपका नॉर्मल बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसे कर ले सकते हैं, ऐसे कर भी सकते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लाई में भी हुआ तो 1/2 यहाँ आएगा, कोई अर्थ नहीं, यहाँ आ जाएगा 2 क्रॉस हो जाएगा 1 आएगा, अब यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 आएगा, यहाँ आएगा 2 आएगा, यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ आएगा 3/2 आएगा, ठीक है, 3 है 3 कर लो, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्मल 2 3 + 1/2a बराबर ये चीज हुआ, अब हम नॉर्मल बेस पर ले लेते हैं, इसको आप हल कर लेंगे, तो आप इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, कर लें ऐसे, नहीं नहीं ऐसे कर लें, 4 - 1/2 इसका 2 - 1 इसका 0 - 0 इसका 6 - 2 इसका 2 - 1 इसका 2 - 2 इसका इसका शमन इस है ना 4 - 1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका शमन इससे हम बारह 6 - 3/2, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस रखते जाएंगे, 2b - 1/2a बराबर, अब इसको हल कर लें नॉर्मल तरीके से हल कर लें, इसका एलसीएम क्या होता है आप सभी जानते हैं, 2 होता है ना, 2 अब ये में से 2 में से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 में से हमारे कुछ नहीं रहता, 2 आया 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 - 1 ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखें, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस चिन्ह रहेगा, इसमें भी आपको वही आएगा 8 - 1
ठीक है। अब हमारे पास इसमें हम एक्स फैक्टर डिवाइड करेंगे, ये क्या जाएगा तो 12 माइनस 3.2, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, तो 1/2 आप बाहर ले लें, सिंपल तरीका से हो जाएगा सामने से, तो ये क्या बच जाएगा 7104, ये 1 माइनस 4 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा माइनस 9, सॉरी 9 बचेगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा लगभग लगभग प्लस और माइनस की कंडीशन हमारे पास क्लियर हुई है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम आगे टॉपिक पर, हम अगला यूनिट स्ट्रक्चर पर मिलेंगे। तो आप जब भी प्लस और माइनस का सवाल आप करें, जब प्लस और माइनस का सवाल करें तो आप विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि जो भी स्ट्रक्चर होता है तो प्लस और माइनस की कंडीशन को ध्यान रखें, और अगला मैट्रिक्स जो भी बाकी है एक दो स्टेप, उसको हम क्या करेंगे अगले पार्ट में आपसे बात करेंगे, ठीक है।